नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है AKC कैट कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। आज मैं एक और नया वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने, और आज का वीडियो जो रहेगा, जो हमने पिछले वीडियो में मोल्ड तैयार किया था, जो हमने एक एक्सटेंशन के कवर का मोल्ड तैयार किया था, उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। उस वीडियो में हमने क्या करा था कि मोल्ड तैयार किया था, कोर एंड कैविटी एक्सट्रैक्ट की थी। तो अब हम क्या करेंगे, उस कोर एंड कैविटी को, उसकी जो कैविटी थी हमारी निकली थी, उसकी मशीनिंग यहाँ पे मैं करके दिखाऊँ। कैविटी वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट जो है वो ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑन करेंगे, जनरल यहाँ पे कंट्रोल ऑन कर देंगे और ओके। ठीक है, स्टेप आपको पता ही है। तो इसमें मैं तीन स्टेप हैं, ये पूरी की पूरी जो है मशीनिंग यहाँ पर मैं करके दिखाऊँगा आपको। जनरेटरी व्यू ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेलिंग MPS सेट करनी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे इसको। पहले तो एक्स एंड वाई को आप वाई हो गया, ओके। तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम वर्क पीस स्टार्ट करेंगे, और ब्लैंक दे दो यहाँ पे। तो पहला ऑपरेशन जो हम करेंगे, जो रफ मिलिंग है वही करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैविटी मिल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेथड में हम रफ यूज करेंगे, और इसको कर देता हूँ मैं ओके। स्पेसिफाई करते ही उसके बाद टूल में जाएंगे, तो रफ मिलिंग है तो हम बड़े डाया का टूल जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 8 mm का टूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ। टूल नंबर 1 दे देंगे उसको, ओके कर देंगे। यहाँ पे जो है हम 2 mm का इसमें कट दे देंगे, 2 की जगह 1.5 दे दूँगा मैं। और ठीक है, उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो यहाँ पे, इसको मैं चला के दिखाऊंगा आपको, देखिए इतना पोर्शन हमारा बच जाएगा इससे। अब क्या करते हैं, एक हम इसके ऊपर चलाएंगे फिनिशिंग के लिए। जो सेकेंड ऑपरेशन हमारा होता है वो होता है रेस्ट मिलिंग का। तो हम यहाँ पे रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन जो है वो चलाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिल फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और फिनिशिंग में हमारे पास जो टूल है वो हम यूज़ करेंगे बॉल मिल, जो कि होगा हमारे पास 5 का आया था, और इसको कर देंगे हम 2 और ओके। और इसके अलावा जो हम डेप्थ ऑफ कट देंगे यहाँ पे वो करेंगे 1 mm। तो जो हमारा रेस्ट पोर्शन होगा वो वहाँ पे बना देगा हमारे लिए फॉलो पार्ट। यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि नॉन हमारे कट बहुत नॉन कटिंग मूव्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, वेरीफाइड टूल पास करके एक बार देखते हैं हम। ये फर्स्ट टूल के साथ हमारी कटिंग होगी,
अब ये सेकेंड रूल के बाद हमारी सेटिंग। अब थर्ड ऑपरेशन जो होता है वो है हमारा जेड लेवल प्रोफाइलिंग का, वो हम उस पर लगाते हैं जो जो भी थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया है उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे एक एम एम का डायग्राम 0.5 कर देंगे और यहाँ पे टूल जो है वो हम यूज करेंगे, उससे भी छोटा थोड़ा सा हम 3 mm का जो है फॉर्मूले यहाँ पे यूज कर लेंगे और उसका रोल नंबर आ जाएगा हमारा 3। तो ओके कीजिए यहाँ पे और इसके साथ क्लिक कीजिए तो जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसने बाहर वाला पोर्शन भी उठा दिया तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि किसके अंदर आपने काम करना है। तो मैं ये वाला हिस्सा मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसी के अंदर आपने काम करना है क्योंकि ये नहीं तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा उठा लेंगे, तो उसी जगह पे इसने काम किया है। अब देखिए वर्कपीस में मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह के 3 टूल आप यूज करेंगे और आपका जो है ये जो कैविटी जो है वो तैयार हो जाएगी, कैविटी जो थी मोल्ड की वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अब हम अगला वीडियो जो है मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कि आपके इसमें जो आपका कोर पोर्शन था उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए जो हम मशीनिंग करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे SMS कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को ये पार्ट की ज़रूरत है तो मैं ये पार्ट भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ लोगों को पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे से पार्ट की डिमांड की थी तो उनको वो स्टेप फाइल जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को ताकि और भी लोग इसको देख पाएँ और हमारा थोड़ा सपोर्ट हो पाए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।